एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुष्मिता, मैं यहां बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। सो अगर आप सब भी इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि मनी बॉल कैसे बनाते हैं। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मनी बॉल कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ रखना पड़ता है। तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मनी बाउल होता है एक ऐसा बाउल जिसमें कुछ हर्ब्स, कुछ क्रिस्टल्स, ऐसी सारी चीजें मिला के इसको बनाई जाती है, जिसको आपको अपने रूम में, अपने ऑफिस पे प्लेस करना होता है बरकत के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, उस पे आपको रखना है थोड़ा सा चावल। आप इतना सा चावल रख सकते हैं क्योंकि चावल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, वो जब खराब हो जाएगा आपको उसको डिस्कार्ड करके फिर एक चावल चेंज करना होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा चावल मत ले, थोड़ा सा इतू सा चावल आप यूज कर सकते हैं, जो घर पे आप यूज करते हैं वही चावल आप यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको चाहिए आप इस पे यूज कर सकते हैं बे लीफ, आप बे लीफ यूज कर सकते हैं। मैंने बे लीफ पे यहाँ पे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है एंड साथ में जो डिजायर अमाउंट आप चाहते हैं। पकड़ लीजिए आपको एवरी मंथ का एक टारगेट है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो आप ऐसा अमाउंट इस पे लिख सकते हैं। लिख के आप इस तरीके का बे लीफ यहाँ पे रख सकते हैं। हर बे लीफ, अगर आप 3-4 बे लीफ रखे तो एक बे लीफ पे ही रखिए, बाकी बे लीफ आप ऐसे ही रख दीजिए। देन आप इस पे रख सकते हैं एक सिनेमन स्टिक, जिसके ऊपर मैंने 500 के एक नोट को फोल्ड करके रखा हुआ है। आपको सिंपली एक सिनेमन स्टिक लेना है, एक 500 लेना है। सिनेमन स्टिक को 500 के ऊपर रखे, उसको अपने तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड करना है एंड देन ग्रीन कलर का धागे से इसलिए बांधा ताकि खुल ना जाए। ग्रीन इज फॉर अबेंडेंस, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का धागा यूज किया है एंड इसको यहाँ पे रख दिया है। आप ले सकते हैं इलायची, आप 4-5 इलायची इस पे रख दीजिए। एंड मैंने यहाँ पे यूज किया है पाइराइट्स, ये पाइराइट का रॉ स्टोन है। क्रिस्टल यूज करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि सिर्फ हर्ब से आपका ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इसीलिए इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ क्रिस्टल्स की जरूरत होती है। आप इस तरीके से पाइराइट अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं। अगर आपके पास सिट्रीन है तो आप सिट्रीन भी रख सकते हैं, सिट्रीन भी मनी के लिए होता है। ग्रीन एवेंचुराइन भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा ग्रीन एवेंचुराइन का, ये देखिए ये रखा हुआ है ग्रीन एवेंचुराइन का जीबू सिंबल, आप इस तरीके का ग्रीन एवेंचुराइन रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रखा है आपका टाइगर्स आई, टाइगर्स आई प्रोटेक्शन भी देगा, मेरे फाइनेंसेस को प्रोटेक्शन देगा एंड साथ में ये मनी को अट्रैक्ट भी करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइगर्स आई भी यूज किया है। आप ब्लैक टर्मेलिन भी यूज कर सकते हैं, यू नो ताकि कोई बुरी नजर ना लगे, आप ब्लैक टर्मेलिन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये फैंसी कॉइन मिलता है तो मैंने यहाँ पे फैंसी कॉइन भी यूज किया है एंड आप साथ में इसके साथ आप इस तरीके के कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं। सी कॉइन्स, ये 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का जितना भी कॉइन्स आपके पास आता है तो आप कॉइन्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बाउल, राइस, बे लीफ, सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक आप ऐसे नॉर्मल सिनेमन स्टिक भी रख सकते हैं, इस तरीके से 100, 200 या 500 के नोट के साथ आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं। देन आपको चाहिए इलायची, आप 5 इलायची रख दीजिए। देन आप इस पे कॉइन्स रख सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, इस तरीके के 5 कॉइन्स आप रख दीजिए। ऐसे अगर आपके पास फैंसी कॉइन या कोई और कॉइन्स भी है तो आप उसको भी रख सकते हैं। देन क्रिस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल आपको रखना ही है ताकि इसका पावर और ज्यादा बूस्टअप हो। आप पाइराइट यूज कर सकते हैं, सिट्रीन यूज कर सकते हैं, टाइगर्स आई, ग्रीन एवेंचुरिन, जो भी आपके पास है, ब्लैक टर्मेलिन भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बूस्टअप करने के लिए आप जो भी क्रिस्टल, जो मनी के क्रिस्टल्स होते हैं, आप ऐसे क्रिस्टल्स को यूज कीजिए एंड देन आपको इसको अभी चार्ज करना है।
चार्ज करने के लिए आप फुल मून में इसको ओवरनाइट बाहर रख सकते हैं तो ये चार्ज हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप सेज जला के या अगरबत्ती जला के एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको घुमाना है तो ये क्लीन हो जाएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब हो गया आपका ये क्लीन, आपको इसको हाथ पे लेना है एंड इसको इंटेंशन देना है कि आपने ये क्यों बनाया है। किसी न किसी मोटिव से तो बनाया है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, आपके घर पे और ज्यादा बरकत हो इसके लिए, तो आप अपना इंटेंशन इस पे दीजिए एंड देन आप इसको प्लेस कर दीजिए अपने रूम के, अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। आप ऑफिस पे भी रख सकते हैं, ये अपने शॉप पे भी रख सकते हैं, अपने रूम पे भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही होनी चाहिए। आप सिंपली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रख दीजिए। ज्यादातर टाइम आप जहां रहते हैं मैं सजेस्ट करूंगी आप वहीं पे इसको रखिए। अगर आप ऑफिस में ज्यादातर टाइम रहते हैं तो आप इसको अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अगर ऑफिस में ज्यादा टाइम नहीं होता है तो घर पे रखिए क्योंकि घर पे एटलीस्ट आप सोने के लिए तो आएंगे। क्या होता है इसके साथ, आप इसके एनर्जी के साथ आपका ऑरा कनेक्ट होता है एंड जब ये कनेक्शन होता है उसके बाद ही आपको धीरे 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 इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। जब आप इसको पकड़ के इंटेंशन देंगे तब ये उसके बाद जब आप इसको रख देंगे अपने पास तो ये आपके साथ कनेक्ट होना शुरू होगा एंड जब ये पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा आफ्टर 21 डेज आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से मनी बॉल बना के आप अपने घर पे रखिए और ज्यादा बरकत के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।